हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हो, मैं अभी जस्ट भाई फिजिकल करके रुका हूँ और मेरी हालत भाई एकदम गंभीर हो गई है भाई। 5 किलोमीटर रनिंग करने के बाद भाई आत्मा परमात्मा से मिल जाती है यार। आप लोग अगर अभी से रनिंग करना स्टार्ट नहीं करेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है आपको। आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे भाई सब लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप लोग भाई ग्राउंड पर आओ, मोटिवेट हो। देख सकते हो भाई पूरा ग्राउंड दिखा देता हूँ आपको। ये देख सकते हो भाई, ये सब तो पूरा ग्राउंड है, सब लोग हैं यहाँ पे। ये पूरा ग्राउंड भाई दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा पूरा ग्राउंड, ये मेरा प्रयागराज का प्रिंटिंग ग्राउंड है और यहीं पे हम लोग, मैं और एक और भाई आज मिला है मुझे ग्राउंड पे नया, उससे मैं बात करवाता हूँ भाई। उसकी फिजिकल कैसे चल रही है, वो कब से स्टार्ट किया है और उसके नंबर कैसे आए हैं यूपी पुलिस में, तो मिलवाते हैं भाई। ये हमारे भाई अजय भाई हैं, ये भी दोस्तों, ये भी भाई हमारे साथ में अभी स्टार्ट की है रनिंग आना। आज मेरा 3रा दिन है, अजय भाई का 2रा दिन है भाई। आज हम लोग भाई एकदम थक गए हैं यार, 5 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करने के बाद यहाँ जानते हो, देख रहे हो कहाँ कहाँ से पसीना आ रहा है यार, बताने लायक भी नहीं कहाँ कहाँ से पसीना आ जा रहा है। देख सकते हो दोस्तों पूरा ये ग्राउंड और हम अजय भाई बैठे हैं। तो यार अजय भाई, इन लोगों को बताओ यार थोड़ा सा कि ये लोग कितने नंबर पर यार रनिंग करना आ सकते, मतलब रनिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं पुलिस भाई, यूपी पुलिस के लिए। अच्छा, यूपी पुलिस के लिए। देखो भाई, जैसे कि इस टाइम यार फिजिकल साहब के लगने वाले हैं, जीडी के भी और पुलिस के भी लगेंगे जल्दी ही, ठीक है। और एसएससी जीडी में बहुत समय दे दिया था, ठीक है, तो अब ज़्यादा डिले करने से कोई लाभ नहीं होगा। अब जल्दी जल्दी आप लोग फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। हम लोग भी स्टार्ट कर दिए हैं क्योंकि फिजिकल की डेट शायद 23 तारीख से सुनाई दे रही हैं, 23 सितंबर से आ सकती हैं, ठीक है। और अब 23 सितंबर से अगर होंगी तो आपके पास इतना चांस नहीं है कि अब आप फिर से स्टार्ट करके फिर से कर लोगे, ठीक है। इसलिए भाई स्टार्ट कर दो रनिंग, ये ठीक है अपनी, और पुलिस का भी रनिंग स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। आप लोग भी भाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। बहुत सारे लोग भाई अभी डर रहे हैं कि हमारे दोस्तों से कम है तो रनिंग करें ना करें, तो उनके लिए भाई मैं बताना चाहता हूँ, अभी आप लोग किसी कटाफ ना देखो, ठीक है। ज़्यादा लोगों की कटाफ देखोगे तो बहुत परेशान हो जाओगे, कोई 220 बताएगा, कोई 240 बताएगा, ठीक है। आप खुद ही सोचो कि पिछली बार से ज़्यादा वैकेंसीज हैं, पिछली बार उसमें पीएससी की वैकेंसीज भी शामिल थी, उससे ज़्यादा वैकेंसी है और सिर्फ पुलिस की है, और क्या, ठीक है। और इस बार भाई पेपर भी सबका गड़बड़ हुआ है। आप अपने आसपास सुन रहे होगे, अगर 10 में से 1 बंदा ही बोल रहा होगा कि पेपर हमारा अच्छा हुआ है, तो कैसे आप लोग सोच रहे हो कि पिछली बार ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। सही बात है, पिछली बार कंपेयर में 10-5 नंबर 20 नंबर ज़्यादा जा सकती है। पिछली बार 180 तक भी सिलेक्शन हुआ था, तो इस बार 200 तक होगा, और क्या, 200-205 के अराउंड आप लोग भाई मान के चलो, ठीक है। और अभी देखो, अगर आपका 190 भी नंबर है तो ये मत मान चलो कि आपका 190 नंबर है, अभी उसमें 10-15 नंबर बढ़ेंगे, 200-205-220-210 तक भी जा सकता है। और 210 तक मेरे हिसाब से फाइनल हो जाएगा, हो जाएगा आराम से यार, क्योंकि पिछली बार से ज़्यादा भाई बुरी हालत है लड़कों की इस बार, और सबका पेपर गड़बड़ हुआ है। तो भाई जो यहाँ पे RWA और टेक्स्ट बुक में 250-260 मार रहे थे, वो भी भैया गिर पड़ के आ गए हैं 200-210 तक, तो सबका अगर नंबर गड़बड़ हुआ है तो अगर आपका भी गड़बड़ है इसीलिए, ठीक है। इसलिए परेशान मत हो, ठीक है। आपके अगर 200 के अराउंड बन रहे हैं, 190 से लेके 205 तक हो, या 190 के नीचे भी हो, अगर आपकी कैटेगरी दूसरी है, अगर जनरल के अलावा कोई कैटेगरी है तो भाई आप तब भी सेफ हो। वही तो यार, अगर OBC और SC ST वाले तो भाई 180 प्लस है तो वो आराम से हो जाएंगे, ठीक है, परेशान मत होइए। इसलिए अगर 180 प्लस है आपका भाई, दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए, टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे लड़के भाई अब रनिंग देख रहे थे हमारे ग्राउंड पे, लगभग इस टाइम लड़के भाई आने स्टार्ट हो गए, ठीक है। आप लोग भी जहाँ पे भी आपका कोई नियर बाई ग्राउंड हो वहाँ पे जाइए, रनिंग करिए, ठीक है, अच्छे से, और अच्छे से दबा के रनिंग करिए, हो जाएगा इस बार। तो यार अजय भाई, हम लोगों को तो यार 2-3 दिन फिजिकल लगा है, तो हम लोग को ऐसे दौड़ना है, तो हम लोग यार ये सोच रहे थे कि यार जो यूपी पुलिस वाले लड़के हैं, जो निराश हताश बैठे हैं, जिनका नंबर 200 के आसपास आ रहा है, वो सोच रहे नहीं होगा, तो उनको एक चीज़ हम लोग बता दें यार कि भाई होगा तो सबका होगा, लिख के ले लो, जानते हो 200 नंबर वालों का फाइनल होगा, मैं लिख के दे दे रहा हूँ, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होगा भाई, कम से कम 15-20 नंबर नॉर्मलाइज होगा मार्क आपका, तो आप लोग 215-210 तक पहुँच जाएंगे तो आपका 100% हो जाएगा, लिख के दे देता हूँ। और दोस्तों रही बात हम लोगों की फिजिकल की, भाई हम लोग फिजिकल भाई स्टार्ट कर दिए हैं, बस हम लोगों का एक सोशल वर्कर की टाइप का हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, और आप लोग ये मानना और ये ना मानना आपका भी आपके ऊपर निर्धारित है, ठीक है भाई। हम लोग दोनों लोग भाई बीमार हैं, बुखार है, जुखाम है, फिर भी फिजिकल करने आते हैं, और आप लोग भाई एकदम स्वस्थ होकर के भी फिजिकल करना स्टार्ट नहीं किए हो, तो ये भाई इसमें आपकी गलती होगी। अगर आप लोग लास्ट में जब फिजिकल में छट जाएंगे तो इसमें गलती आपकी होगी, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि भाई मैं पहले से आपको सजेशन दे दूँ कि फिजिकल करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी और आप लोग फिजिकल नहीं करते हो, ठीक है। तो भाई ये आपकी गलती होगी, हमारी गलती नहीं होगी भाई। हम लोग बात कर लेते हैं गर्ल्स की, क्योंकि गर्ल्स के ऊपर कोई वीडियो बनाता नहीं है, तो गर्ल्स में यार
मेरे हिसाब से यार जनरल की लगभग 185 से अगर 190 के आसपास उनका नंबर है तो वो लोग फाइनल हो जाएंगी। और क्योंकि लड़कियों की भाई कट ऑफ कम जाती हैं और लड़कियां जिनकी कट ऑफ जो कट ऑफ में आ भी जाती हैं उसमें से भी लगभग 50 से 60% लड़कियां चढ़ जाती हैं पिछल में। वही, और इसलिए कट ऑफ उनकी और ज़्यादा डाउन करनी पड़ती है फिर से बुलाने के लिए उनको। उनकी जो सीटें हैं 10-15 हज़ार जो भी रहती हैं उसको भरने के लिए भाई उनको फिर से दो से तीन कट ऑफ जारी करनी पड़ती है। इसलिए अगर जिनका जिन भी लड़कियों को भाई अगर 170 प्लस है तो भाई वो भी से रनिंग स्टार्ट कर दें क्योंकि उनका बढ़ के 185-190 करीब आ जाएगा, 180 प्लस ही जाएगा और 180 प्लस भाई इस बार सिलेक्शन हो जाएगा मुझे लग रहा है। हम लोग सबसे लोवेस्ट कट ऑफ बता देते हैं जिनमें SC ST की मतलब महिलाएं आती हैं तो उनकी कट ऑफ भाई अगर जो SC ST से बिलोंग करती हैं महिलाएं वो अगर 160 नंबर के आसपास हैं वो फिजिकल करना स्टार्ट कर सकती हैं, उनका फाइनल 100% फाइनल हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों हम लोग आप लोग देख ही सकते हो भाई एकदम गर्मा गर्म माहौल है। आप लोग को फिर से एक बार दिखा देता हूँ अपना ग्राउंड भाई एकदम से। यार यहाँ पे जानते हो धुआं फाड़ दिए लड़के, ये देख सकते हो भाई सब लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और यहाँ पे भाई पूरा ग्राउंड भरा हुआ है। और आप लोग अभी स्टार्ट नहीं करेंगे रनिंग करना तो फिर बाद में भाई आपको ही प्रॉब्लम होने वाली है। हम लोग तो भाई आपको बस एक सजेशन और सलाह ही दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार कह रहा हूँ भाई मोटिवेट हो जाओ, फिजिकल करना स्टार्ट कर दो, किसी के बहकाव मत आओ। और जो यूट्यूब पे 1000 वीडियो पढ़ रही है कट ऑफ की ना, कट ऑफ की वीडियो देखो भी मत। ठीक है, क्योंकि देखो हम लोग एक बार कट ऑफ बता दिए हैं फाइनल, वही हम लोग की वीडियो पड़ी रहेगी। अब दोबारा हम लोग कट ऑफ तभी बताने आएंगे जब भर्ती बोर्ड अपना कट ऑफ निर्धारित करेगा तभी। क्यों अजय भाई, बार बार रोज थोड़ी ना कट ऑफ देनी होती है। वही, और आप लोग भाई अपने भाई के जान लो, मैं आपका भाई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग रनिंग करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। आई होप आप लोग की बात, आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और आप लोग फिजिकल करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।